आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर एक विशेष सीरीज के तीसरे वीडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा आप जानते हैं कि अंग्रेजी सिखाने वाली एक सीरीज में चला रहा हूं। ये सीरीज उन छात्रों के लिए, उन अभिभावकों के लिए बहुत लाभप्रद सिद्ध होने जा रही है जो अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और सही ढंग से उच्चारित करना सीखना चाह रहे हैं। मैंने यह सीरीज अपने 30 साल के अनुभव के आधार पर तैयार की है, जिससे बच्चे सही ढंग से अंग्रेजी पढ़ना सीख सकें। आप जितने भी वीडियो आए उन सबको ध्यान से अच्छी तरह से देखना। मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपको अंग्रेजी पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उसके बाद मैं अंग्रेजी की ग्रामर की सीरीज भी शुरू करूंगा। तो चलिए अब मैं आज का ये वीडियो शुरू करता हूं। आशा है आपने इससे पहले के जो दो वीडियो मैंने डाले थे वो देख लिए होंगे। तो देखिए अब हम शुरू कर रहे हैं एच के उच्चारण के नियम। इसका मतलब ए से लेकर मैं जी तक आपको अलग अलग शब्दों के उच्चारण बता चुका हूं कि कब कौन सा अक्षर कैसे बोलेगा, कब वो साइलेंट रहेगा, इनके उच्चारण अलग अलग जगहों पर आने से किस तरह से बदल जाते हैं, उनकी मैंने विस्तृत रूप से चर्चा की। तो देखिए एच का जो सामान्य जो उच्चारण है हिंदी में वो हा के रूप में होता है। पहले मैंने सामान्य उच्चारण इसके लिख दिए भाई। तो देखिए जैसे ये कि होम, एच ओ एम ई, ठीक है, तो ओ से ओ की मात्रा ही लगी है। अभी हम मैं बताऊंगा कि यहां तो ओ से ओ की मात्रा लगी है लेकिन एच के तुरंत बाद ओ अगर आ जाए तो एच को साइलेंट भी कर देता है, बताएंगे, बने रहिए। इसी तरह देखिए हाफ, यहां एल साइलेंट है, एल का जब नंबर आएगा मैं बताऊंगा कि एल कब कब साइलेंट रहता है। इसी तरह देखिए डबल ई का उच्चारण में पहले वीडियो में बता चुका हूं कि डबल ई का उच्चारण बड़ी ई की तरह होता है, इस तरह से होता है, ठीक है। तो एच में बड़ी ई की मात्रा, तो हा में बड़ी ई की मात्रा, तो हील उच्चारण होगा तो एडी। इसी तरह देखिए हेयर, हेयर माने बाल, ठीक है। ए आई आर का उच्चारण मैंने बताया था कि ए आई आर या आई आर ई, देखो ए आई आर या ए आर ई, इन दोनों का उच्चारण एयर जैसा होता है, ए आर। तो देखिए तो हा ये आधा है तो हा में हलंत प्लस एयर, इस तरह से बोला है ए आ और र, ठीक है। तो हेयर अब बन गया ना, तो हेयर बाल को कहते हैं। इसी तरह देखिए मैंने पहले वाले वीडियो में बताया कि ई ए से बड़ी की मात्रा बनती है लेकिन यहां ई ए के बाद अगर एल आ जाए तो ए की मात्रा लगती है, हेल्थ। तो हेल्थ माने स्वास्थ्य, स्वास्थ्य गलत लिख गया है भाई, स्वास्थ्य, ठीक है। अब बात करते हैं भाई 38वां नियम। कुछ शब्दों में एच के बाद ओ आता है, ठीक है, एच के बाद क्या आ जाए, ओ आ जाए तो एच साइलेंट रहता है, साइलेंट, ठीक है, ये ई नहीं है भाई, साइलेंट रहता है, ठीक है। ये राइटिंग मिस्टेक हो जाती है जब इनको टाइप करते हैं ना, तो ये मिस्टेक कर जाते हैं भाई, कर नहीं जाते, हम से हो जाती है। तो देखिए पहला अक्षर है देखिए एच ओ एन ई एस टी, तो देखिए एच के तुरंत बाद ओ आ रहा है, इस ओ के कारण इस एच का उच्चारण नहीं होगा, इसलिए कैसे बोलिएगा, ऑनेस्ट, और ऑनेस्ट आप जानते हैं ईमानदार। इसी तरह देखिए एच के बाद फिर ओ आ रहा है तो एच का उच्चारण यहां भी नहीं होगा, तो देखिए ऑनरेबल, ऑनरेबल, ऑनरेबल आदरणीय, सम्माननीय, ठीक है। इसी तरह देखिए एच ओ यू आर, तो एच यहां भी नहीं बोलिएगा, आवर। अब इसको उच्चारण ओ यू आर, जैसे हम अवर बोलते हैं ना, ऐसे मत कर देना, ये आवर, आवर माने घंटा, हावर नहीं बोलेगा। इसी तरह ये हॉनेस्ट नहीं है, ये हॉनरेबल नहीं है, एच यहां साइलेंट रहेगा। इसी तरह देखिए एच ई आई आर, यहां एच के बाद ओ नहीं है, ई आई आर है, फिर भी एच यहां साइलेंट रहेगा, एयर, एयर, ये रा आधा है, एयर।
और वैसे भी अंग्रेजों में एक प्रथा है कि वो अंतिम आर को बोलते ही नहीं है, एयर। कैसे बोलेगा? एयर। इसका मतलब ऐसा लगेगा आपको कि आर का उच्चारण हो रहा है लेकिन आर नहीं बोलेगा, फेंट प्रोनाउंसिएशन होगा उसका। और एयर आप जानते हैं किसको बोलते हैं? उत्तराधिकारी को। लेकिन इसके अपवाद है। देखिए मैं जो ये नियम बताने चाह रहा हूं या बता रहा हूं वो 100% लागू नहीं होते, ये अनुभव के आधार पर सामान्यतः ऐसा होता है, क्योंकि अंग्रेजों पर 100% नियम तो कोई लागू होता ही नहीं है। पता नहीं वो कैसी लिपि में इसको अंग्रेजी को बनाया गया है। हमारी देवनागरी लिपि की देखिए, हिंदी और संस्कृत जैसी लिखी जाएंगी वैसी पढ़ी जाएंगी। जो अक्षर है वो एक ही उच्चारण देगा, तरह तरह के उच्चारण नहीं देगा। पर अंग्रेजों देखिए फिर भी विश्वव्यापी भाषा है, हिंदी से ज्यादा प्रसिद्ध है भाई। देखिए यहां देखिए हॉलीडे, अब हॉलीडे नहीं है, एच के बाद ओ आया है, फिर भी हॉलीडे। हॉलीडे आप जानते हैं धार्मिक त्योहारों पर जो छुट्टी की जाती है उसको हॉलीडे कहते हैं सामान्यतः, लेकिन आजकल ये प्रचलन में आ गया है। सामान्य छुट्टियों को भी हम या छुट्टी के दिन को भी हम हॉलीडे बोल देते हैं भाई। इसी तरह देखिए हॉरिबल, हॉरिबल, हॉरिबल माने देखिए हॉरिबल, हॉरिबल बी एल ई बल होता है, ठीक है। हॉरिबल, हॉरिबल माने भयानक, ठीक है। अक्षरों को तोड़ तोड़ के पढ़िए। इसी तरह देखिए हॉस्टाइल, हॉस्टाइल, हॉस्टाइल बोलते हैं ये हॉस्टाइल, इस तरह से हॉस्टाइल विरुद्ध, ठीक है। 39वां अक्षर, जब अक्षर एच, अब यहां बहुत ध्यान से सुनना इसको भाई, जब अक्षर एच सी एच में हो, जी एच के साथ हो, पी एच के साथ हो, टी एच के साथ हो, एस एच के साथ हो और डब्ल्यू एच के साथ हो। किस किस के साथ? सी एच, जी एच, पी एच, टी एच, एस एच और डब्ल्यू के, ठीक है, साथ हो तो सामान्यतः एच का उच्चारण नहीं करते भाई, एच का उच्चारण नहीं करते। अब देखिए सी के साथ जब एच आता है तब देखिए एच कहां कहां, सी एच से तो चा बनता है, ठीक है, लेकिन सी एच से चा नहीं बनके एच का उच्चारण नहीं होता, अर्थात सी अकेला रह जाता है। और सी उस समय कैसा उच्चारण देता है? का का। तो देखिए जैसे सी एच ई एम आई एस टी आर वाई, केमिस्ट्री नहीं पढ़ना है इसको, एच यहां साइलेंट रहेगा। तो देखिए के सी के बाद, मैंने बताया था पहले वीडियो में कि सी के बाद अगर ई आ जाए, आई आ जाए और वाई आ जाए तो सी का उच्चारण का की तरह होता है। तो देखिए एच बोलना ही नहीं है। तो देखिए सी ई से के मिस्ट्री, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान को बोलती है, केमिस्ट्री नहीं है ये। इसी देखिए पढ़िए टेक्नोलॉजी, लॉजी विज्ञान को कहते, जहां भी लॉजी बायोलॉजी है ना आपने पढ़ा, जहां लॉजी लग जाए इसका मतलब विज्ञान है। देखिए टेक्नोलॉजी तकनीकी विज्ञान, ठीक है, यहां भी एच क्या है? साइलेंट है। इसी तरह देखिए एंकर सी एच, सीधी सी बात है यहां सी एच किसकी ध्वनि दे रहा है? का की। क्यों दे रहा है? क्योंकि एच बोलना ही नहीं है। और एंकर आप जानते हैं उद्घोषक को कहते हैं, टीवी आपने देखे तो उसमें जो एंकर होते हैं। इसी तरह देखिए साइकोलॉजी, अब आगे और पढ़ाऊंगा जब पी का नंबर आएगा, पी के बाद अगर एस आ जाए, पी के तुरंत बाद क्या आ जाए? एस आ जाए तो पी साइलेंट रहता है। तो देखिए यहां पी साइलेंट रहेगा, साई एस वाई से साई, और यहां एच साइलेंट रहेगा। तो देखिए साई को और ये लॉजी है, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी जिसको बोलते हैं मनोविज्ञान को। इसी तरह देखिए स्कूल, बहुत सारा है ना, एस के बाद सी आ जाए तब सी का, ठीक है, देखो स्कूल है ना, स्कूल, तो एस के बाद सी आ जाए तो एस का उच्चारण नहीं होता है। तो देखिए है ना, तो ये जैसे साइंस है ना, साइंस, सी का उच्चारण नहीं होता है। तो देखिए साइंस, सी उच्चारित नहीं हो रही है। इसी तरह देखिए करैक्टर, सी एच नहीं बोल रहा है यहां, देखिए सी ए का करैक्टर, करैक्टर मतलब सी एच से का बना हुआ है यहां। ऐसी करैक्टर चरित्र को या जो रोल अदा करते हैं उसको करैक्टर बोलते हैं, चरित्र है ना। इसी देखिए देखिए कोरियो
ग्राफ, ठीक है, दो हिस्सों में जोड़िए, कोरियोग्राफ, सी एस ए का मान लिए, कोरियोग्राफ जानते कि टू डिजाइन एंड अरेंज द मूवमेंट ऑफ ए डांस। अगर जैसे कोई फिल्म बन रही है तो उसमें अभिनेता और अभिनेत्री जब डांस करते हैं तो उनके स्टेपों को वो समझाते हैं कि कौन से बोल पर कौन कौन से स्टेप आपको करने, और ये नृत्य सिखाने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको कोरियोग्राफ बोलते हैं, ठीक है, और ये जो प्रक्रिया है वो कोरियोग्राफी कहलाती है, सिखाने की जो कला है, ठीक है। तो कोरियोग्राफ, कोरियोग्राफ क्या है, नृत्य सिखाने की जो कला है वो कोरियोग्राफ कहलाएगी भाई। इसी लिए इको, देखिए इको, इको माने गूंज या प्रतिध्वनि होती है, ठीक है भाई। अब ये तो क्या बात की भाई मैंने, देखिए मैंने एक एक के कई कई उदाहरण रखे हैं यहां। अब भाई आजकल शॉर्टकट का जमाना है और लोगों को चाहिए कि भाई एक मिनट में मैं सारी चीजें सिखा दूं, ऐसा बंधु संभव नहीं है, क्योंकि मेरे गणित और फिजिक्स के वीडियो जो आते हैं या विज्ञान के जो वीडियो आते हैं उसमें आपने देखा होगा कि मेरा वीडियो सामान्यतः एक घंटे दो घंटे कभी कभी तीन तीन घंटे का हो जाता है। भाई गणित विज्ञान या फिजिक्स में आप एक कंसेप्ट को 10 मिनट में या 5 मिनट में या 1 मिनट में कैसे सिखा सकते हैं, तो जहां शॉर्ट देखना हो वहां शॉर्ट काम में आता है, जहां विस्तृत रूप से सिखाना होता है वहां विस्तृत रूप ही काम आता है। मेरे साथियों की या छात्रों की शिकायत रहती है मुझसे कि सर आप शॉर्ट में नहीं बनाते, इसी कारण आपका वीडियो नहीं चल पाता है, आपके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ पाते। तो भाई अब मैं अगर एक एक उदाहरण आपको बताता तो उस वीडियो का जो मेरा उद्देश्य है भाई आप को केवल पढ़ना ही नहीं सिखाना है, आपकी वोकैबुलरी को भी बढ़ाना है, और वोकैबुलरी आपकी तब बढ़ेगी जब नए नए अलग अलग ना तरह तरह के शब्द आपके सम्मुख आएंगे। मैं केवल सीएच का उच्चारण का के रूप में दो ना शब्दों से बता सकता था, लेकिन मैंने यहां 10-12 या उससे भी ज्यादा शब्द रखे जिससे आप ढंग से सीख सके, उसको हृदयंगम कर सके। अब भाई जिसको बने रहना है बने रहिए, और जिनको शॉर्ट देखना है वो शॉर्ट देखिए। अब आपकी पसंद को तो मैं नहीं बदल सकता, तो भाई मैं आपके हिसाब से भी नहीं बदल सकता, ये भी सही है। चलिए अब बात करते हैं जीएच, क्या जीएच के साथ भी एच साइलेंट रहता है, तो देखिए जीएच कैन प्रोड्यूस मल्टीपल साउंड, ठीक है, जीएच के अनेकों ध्वनियां हो सकती है, वन ऑफ देम इज हार्ड जी, इसका मतलब उनमें से मुख्य क्या है कि जी तेज उच्चारित होगा, ठीक है, इसका मतलब एच उच्चारित तो होगा और फेंट बहुत कम में होगा, जैसे फोर्ट, एफ ओ यू जी एच टी। अब देखिए ध्यान रखना ओ यू जी एच टी, इसका मतलब यहां दोनों जी एच ही साइलेंट, दोनों गए भाई फोर्ट, ठीक है। अब इस उदाहरण में तो दोनों ही जी एच ही साइलेंट हो गया, फोर्ट एफ ओ, ठीक है, यू फोर्ट ना डायरेक्ट जी एच साइलेंट है, तो फोर्ट, फोर्ट माने फाइट की सेकंड फॉर्म है, ये किसकी है, फाइट, एफ आई जी एच टी, फाइट माने लड़ा, लड़ाई, लड़ना, और फोर्ट फोर्ट, फाइट फोर्ट फोर्ट, तो लड़ा, ठीक है, फाइट की सेकंड फॉर्म है। अब देखिए सी ए यू जी एच टी, कॉट, ठीक है, यहां भी जी एच साइलेंट है, ये कैच की है, किसकी, कैच, कैच माने पकड़ना, तो पकड़ने की मतलब पकड़ा, सेकंड फॉर्म हो जाएगी पकड़ा। इसी तरह हाई, देखिए जी एच साइलेंट, पूरा जी एच साइलेंट है, केवल हाई एच आई बोल रहा है, हाई माने आप जानते हैं ऊंचा है। इसी तरह थाई, जी एच यहां भी, तो सीधी सी बात है जी एच सामान्यतः अगर शब्द के अंत में आ रहा है या मध्य में आ रहा है तो वो साइलेंट हो जाता है, जो मैंने 4-5 उदाहरण आपको बताए। थाई किसको बोलते हैं, जांग को बोलते हैं, जांग, ठीक है, जंगा जिसको बोलते हैं आप। इसी तरह गोस्ट, ठीक है, अब यहां एच साइलेंट है, जी का हार्ड प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, भूत को बोलते हैं, इसलिए गास्टली ना, गास्टली नहीं है, गास्टली एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट और बैड, कोई अगर चीज बहुत ज्यादा बुरी हो, ठीक है, बहुत अत्यधिक मात्रा में, तो उसको गास्टली मतलब बता बोल देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं डब्ल्यू एच के रूप में,
जब कोई शब्द आता है शुरुआत में डब्ल्यू के तुरंत बाद एच आ जाता है। डब्ल्यू जब हम पढ़ाएंगे तब भी इसकी चर्चा विस्तृत रूप से करेंगे और यहां भी आप सीख लीजिए तो क्या एच साइलेंट रहता है। देखते उदाहरण, देखिए डब्ल्यू एच वाई, यहां एच साइलेंट रहेगा वाई, वाई वाई माने क्यों। इसी तरह देखिए डब्ल्यू एच ई एन, आप ये डब्ल्यू एच वर्ण है तो यहां भी एच साइलेंट रहेगा, ये वेन नहीं बोलता है जो सामान्यतः इस तरह से बोलते हैं हम वेन, ये गलत है भाई, इसको कैसे बोलेंगे वेन, वेन माने कब। इसी तरह देखिए डब्ल्यू एच डबल ई एल व्हील, ये व्हील नहीं है, व्हील बोलते हैं ना व्हील, इस तरह से बोलते हैं व्हील, नहीं गलत उच्चारण है, एच साइलेंट रहेगा ये व्हील बोलेगा, तो व्हील माने पहिया होता है। इसी तरह देखिए व्हाइट, ऐसे बोलते हैं नहीं व्हाइट, एच यहां भी साइलेंट रहेगा ठीक है, और व्हाइट आप जानते हैं सफेद को बोलते हैं। इसी तरह डब्ल्यू एच ई टी एच ई आर, देखिए डब्ल्यू एच तो एच साइलेंट रहेगा, तो देखिए डब्ल्यू ई वे और टी एच ई आर, टी एच यहां किसका हो दे रहा है दा का उच्चारण, तो वेदर ठीक है, वेदर ये वेदर है भाई, वेदर, वेदर माने मौसम। इसी तरह देखिए एच यहां भी साइलेंट है, विच, विच माने कौन सी, तो ध्यान रखना भाई जितने भी डब्ल्यू एच वर्ण है उनमें सामान्यतः एच साइलेंट रहता है। अब मैंने यहां एक्सेप्शनल भी लिख दिए हैं भाई इसके, कि सम अदर वर्ड्स विद साइलेंट एच ठीक है, कुछ और शब्द भी हैं जिनमें एच साइलेंट रहता है लेकिन हो सकता है वो डब्ल्यू के बाद ना आए, जी के बाद ना आए ठीक है। तो देखिए यहां या सी के बाद ना आए, तो देखिए ए सी एच ई एक, तो एच यहां साइलेंट है, एक जानते हैं जब सतत रूप से दर्द रहता है ना, ये कंटिन्यूअस और प्रोलॉन्ग्ड डल पेन, मध्यम मध्यम दर्द रहता है बहुत लंबे समय तक, उसको क्या बोलते हैं एक, जैसे हेड एक ठीक है, सिर में होने वाला दर्द, स्टमक एक पेट में होने वाला दर्द, बैक एक पीठ में होने वाला दर्द ना, बैक के बाद एक लगा दीजिए, स्टमक पेट उसके आगे एक लगा दीजिए। इसी तरह देखिए आर्किटेक्ट, देखिए आर्किटेक्ट यहां भी एच नहीं बोलेगा, आर्किटेक्ट आप जानते हैं ये पर्सन हु डिजाइन्स बिल्डिंग्स, जो बिल्डिंग्स का डिजाइन बनाता है ठीक है, रूपरेखा तैयार करता है, उनको क्या बोलते हैं आर्किटेक्ट बोलते हैं। इसी तरह देखिए चाओस नहीं है, ये सी के बाद एच आ रहा है तो एच विल बी साइलेंट, तो कैसे बोलेगा काओस, काओस बोलते हैं, कंप्लीट डिसऑर्डर एंड कंफ्यूजन, मतलब ऐसी स्थिति बन जाए कि जहां कोई नियम और कानून की स्थिति ही ना रही हो उसको काओस बोलते हैं ठीक है, भ्रम की स्थिति बन जाए और अवज्ञा होती रहे जिस जगह पर उसको क्या बोलते हैं काओस। इस तरह देखिए पढ़िए मैकेनिक, एमी से मैकेनिक, एच ना साइलेंट है, ये पर्सन हु रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस मशीनरी, वह व्यक्ति जो मशीनरी को रिपेयर करता है, मरम्मत करता है या उसको मतलब कोई खराबी हो तो उसको सुधारता है, मतलब उसको क्या बोलते हैं मैकेनिक। इसी तरह देखिए रिदम, रिदम एच यहां भी साइलेंट है, रिदम 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 किसको बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग रेगुलर रिपीटेड पैटर्न ऑफ मूवमेंट और साउंड, कोई आप क्रिया कर रहे हैं या ध्वनि निकाल रहे हैं उसका क्रमिक रूप से रिपीटेशन अगर हो रहा हो तो उसको बोलते हैं रिदम ठीक है। इसी तरह देखिए स्कीम, सी एस ए काई मान लीजिए आप, एच साइलेंट रहेगा, स्कीम ए लार्ज स्केल सिस्टेमिक प्लान और अरेंजमेंट फॉर अटेनिंग ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और पुटिंग ए पर्टिकुलर आइडिया इनटू इफेक्ट, मतलब कोई अपनी विचारधारा को बनाए रखने के लिए, किसी चीज को बनाए रखने के लिए जब योजना बनाई जाती, सीधी सी बात है योजना आप इसको मान सकते हैं। यहां भी इसी तरह देखिए स्टमक, स्टमक स्टमक माने अभी मैंने बताया था पेट होता है, तो आपने देखा भाई कि एच कहां कहां साइलेंट रहता है, सी के बाद आने वाला एच 90% साइलेंट रहता है, डब्ल्यू के बाद आने वाला एच 90% साइलेंट रहता है, और ओ यू जी एच आए तब जी एच साइलेंट रहता है, इसी तरह आई जी एच शब्द के अंत में आ जाए तब भी, जैसे हाई थाई ठीक है, उनमें भी क्या हो जाता है जी एच साइलेंट रहता है। इसी तरह ओ यू जी एच मैंने भी बताया था ना, थ्रो ऐसे फोर्ट
कॉट ये उदाहरण लिए थे ना, तो ध्यान रखना है भाई इनमें। अब एच से निकलकर हम पहुंचते हैं आई पर, तो देखिए आई एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे सही उच्चारण करने और ना करने के बीच में। देखिए सबसे ज्यादा गड़बड़ आई ई और ए का उच्चारण और ओ यू का, ये जो स्वर है ना पांचों, इनके उच्चारण अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार से आते हैं। इनका कॉम्बिनेशन भी बहुत गड़बड़ करता है कि ई के साथ ए आ जाए, आई के साथ ई आ जाए या ओ के साथ यू आ जाए, तो इनके उच्चारण बिल्कुल अलग हो जाते हैं। इन सब की चर्चा हम विस्तृत रूप से यहां कर रहे हैं और मेरा उद्देश्य भी यही है कि आपको विस्तार से समझा सकूं कि भाई इन शब्दों का उच्चारण कैसे होता है और आप कैसे उनको सीख पाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आप देख रहे हैं, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात कहूंगा यार, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आप चाहें तो किसी अपने सगे संबंधी या मित्र को इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो देखिए आई के उच्चारण में पहला नियम अर्थात 40वां नियम क्या है कि जब दो या तीन व्यंजनों के बीच आई आए, जब दो या तीन व्यंजनों, दो के बीच आ सकती है, तीन के बीच में आ सकती है, आई आए तो आई छोटी ई की ध्वनि निकालती है। आई से किसकी ध्वनि निकलती है? छोटी ई की। ठीक है, अर्थात जिस अक्षर के आगे आई आएगी उसमें छोटी ई की मात्रा लगेगी। जैसे देखिए डिप, डा के आगे आई है, डी के आगे आई, तो देखिए डा आधा है प्लस छोटी ई की मात्रा प्लस पा, डिप। और डिप का मतलब जानते हैं आप, गोता लगाना। डिप किसको बोलते हैं? गोता लगाना। इसी तरह देखिए टिल, टा के आगे आई तो छोटी की मात्रा टा में लगेगी, टिल, टिल माने तक। ठीक है, इसी तरह देखिए एम आई मी, मां में छोटी की लगेगी, और लक मिल्क, ये एक्सेप्शनल है, नहीं तो अगर एल के बाद के आ जाए या के से पहले एल आ जाए तो एल 90% स्थितियों में क्या रहता है? साइलेंट रहता है, एल का उच्चारण नहीं करते, पर यहां कर रहे हैं। तो मिल्क आप जानते हैं दूध को बोलते हैं, ये तो सरल सा है भाई। इसी तरह हिट, एच आई टी, हा में आई की मात्रा, हिट, हिट किसी को चोट पहुंचाना, मारना, मारना या चोट पहुंचाना भाई। ठीक है, इसी तरह किल, किल माने मारना है, हिट को चोट पहुंचाना, चलिए लिख दे देता हूं, चोट पहुंचाना। ठीक है, इसी तरह सिल्क, एस आई एल के, सिल्क आप जानते हैं, सिल्क रेशम को बोलते हैं, सिल्क किसको बोलते हैं? रेशम, जो धागा होता है जिसके कपड़े बनते हैं, और सैतूत पर जिसके जो जीव होते हैं और जो अपनी लार के द्वारा सिल्क निकालते हैं, रेशम निकालते हैं। रिब, आर आई वी, रिब, रिब किसको बोलते हैं? पसली, आप जानते हैं ये पसली, ये होती है पसली। इसी तरह फिल, एफ आई डबल एल, फिल, यहां डबल एल आया है भाई, देखिए ना, फिल, फिल का मतलब पूरा करना या भरना, पूरा करना या भरना। इसी तरह लिफ्ट, लिफ्ट माने उठाना, लिफ्ट किसको बोलते हैं? उठाना। ठीक है भाई, अब 41वां देखिए, जब किसी शब्द में आई के बाद आर आ जाए तो आई को आ से पढ़ते हैं। देखिए आर बहुत गड़बड़ करता है भाई, अगर आई के बाद कोई व्यंजन आ रहा है तो छोटी ई की मात्रा लगेगी। ठीक है, लेकिन आई के बाद अगर व्यंजन है आर, लेकिन आर अलग व्यवहार करता है, आई के बाद अगर आर आ जाए तो आई से आ की मात्रा लगेगी। किससे? आ की। ध्यान से पढ़ना भाई इसे, देखिए इसको बिल्ड नहीं पढ़ेंगे, वर्ड, क्या पढ़ेंगे? वर्ड। ठीक है, तो आई किसकी ध्वनि दे रहा है? देखिए बी से बावना आधा, आई से आ की ध्वनि, और आधा रा, और ये आधा ड। ठीक है, बर्ड, बर्ड, बर्ड माने आप जानते हैं पक्षी। ठीक है, इसी तरह देखिए डर टी, ठीक है रा, ठीक है कहां जाता है? अक्षर के ऊपर, और आप जानते हैं जो ऊपर लगा होता है वो पहले बोलता है, जिस अक्षर के ऊपर लगा हुआ है, तो डर्टी आप जानते हैं गंदा या मैला कुचेला जो भी आप कहें। इसी तरह देखिए एस एस से सा, और आई से आ बन रहा है, क्योंकि आई
के बाद क्या रहा है, आर आ रहा है। तो देखिए शर्ट, शर्ट माने आप जानते हैं शर्ट। इसी तरह फर्म, देखिए फर्म, फर्म निश्चित मतलब फैसले पर अड़िग, अड़िग। इसी तरह चर्प, देखिए सी एच से का नहीं बनेगा, ध्यान रखना। आपने अभी मैंने आप कह सकते हैं भाई कि सर सी एच से तो हां 90% केसों में सी एच से, पर लेकिन चर्प, चार्म, इसी तरह आप में और कई उदाहरण, चार्म, ठीक है, ऐसे चेंज। तो यहां सी एस से चाय ही बन रहा है, लेकिन और यहां भी चाय, पर वो उदाहरण एक्सेप्शनल थे, ठीक है, जो मैंने बताए थे कि सी एच से का बन रहा है, जहां एच साइलेंट था और सी का की ध्वनि दे रहा था। तो चर्प, चहचाना, जो चिड़िया चहचाती है उसको चर्प बोलते हैं, चहचाना, चह चहाना, ठीक है। अब देखिए और उदाहरण देख लीजिए, एफ आई आर एस टी, फर्स्ट, आई से किसकी मात्रा लग रही है, छोटे आ की, फर्स्ट, ठीक है, पहला। इसी तरह देखिए थर्ड, तीसरा, आई रन, ठीक है, आई रन। इरिटेट, ये अगर पहले अक्षर आए आई तब थोड़ा सा व्यवहार अलग करता है, ये मैंने लिख दिए इरेगुलर, ठीक है, या आ ना बन के ई बन रहा है ई, और यहां आ बन रहा है बड़ा। तो ये मैं बताया ना, मैं जो नियम बता रहा हूं वो 90% ही काम करेंगे, 10% अपवाद ही रहते हैं, क्योंकि अंग्रेजों के बोलने का तरीका, उच्चारण करने का बिल्कुल अलग है हमारी तुलना में। जैसे वो चाकर भी हिंदी का सही उच्चारण नहीं कर सकते हमारी तरह, हम भी उनकी तरह उच्चारित नहीं कर सकते, पर प्रयास जरूर किया जा सकता है। अब देखिए 42वां पॉइंट आता है कि यदि आई के बाद क्या हो, कोई व्यंजन आ जाए और व्यंजन के बाद ई आ जाए। अभी मैंने क्या बताया था कि जब दो या तीन व्यंजनों के बीच में आई आए तब उसका उच्चारण ई होता है, लेकिन आई के बाद आई आ जाए कोई शब्द में दूसरा अक्षर या तीसरा अक्षर आई हो, आई के बाद व्यंजन हो और व्यंजन के बाद ई हो, तो ये तीनों मिलके तब आई, वैसे आप पता ही आपको लास्ट की ई उच्चारित होती नहीं है, तो इस आई का जो उच्चारण है वो आई के रूप में ही होगा, आई, ठीक है, अर्थात आई, आई के रूप में ही बोलेगी, जैसे लाइक आज, ठीक है, ला प्लस आई, आई किससे बना, आई से और के का, और आपको पता है अंत में किसी शब्द के अंत में आई ई का उच्चारण सामान्यतः नहीं होता है, सामान्यतः क्या 99% नहीं होता, ठीक है। तो लाइक, लाइक माने आप जानते हैं पसंद करना। इसी तरह देखिए बाइट, ठीक है, आइट, तो बाइट, बाइट माने काटना होता है। इसी तरह नाइस, ठीक है, आई से क्या है, आई की मात्रा ही लग रही, आई की, जैसे ना प्लस आई, और सी से सा, ठीक है। आप ये मत कहना कि सी ई से, अभी बताया था सी के बाद ई आ जाए तो का बोलता है, अंत में नहीं पहले, ठीक है, नाइस, क्योंकि अंत की आई हुई ई उच्चारित नहीं होती है। और सब कुछ सीखने के लिए भाई हमें नए नए शब्दों की वोकैबुलरी सीखनी होगी, उसकी स्पेलिंग को ध्यान से देखना ही होगा। तो देखिए नाइस आप जानते हैं अच्छा। इसी तरह लाइन, लाइन माने पंक्ति है। इसी तरह फाइन, फाइन माने ठीक है। तो ये ढेर सारे उदाहरण आपको मैंने बताए कि भाई जब किसी शब्द में दूसरे या तीसरे नंबर पर आई आए, आई के बाद व्यंजन आए, व्यंजन के बाद ई आए, तब आई से छोटी की मात्रा नहीं लगती, आई उच्चारण होता है आई का, ठीक है। और अगर दो या तीन व्यंजनों के बीच में आई आ जाए तब ई, ठीक है, और आई के बाद व्यंजन और ई हो तब आई की ध्वनि आएगी आई की तरह, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं हम अगले पॉइंट पर। यदि किसी शब्द में आई के बाद आर ई हो, तो मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि आई आर ई आयर बोलता है, ठीक है, आई आर
ई अगर किसी शब्द के अंत में आ जाए तो इनको उच्चारण आयर आयर होता है। ठीक है, जैसे देखिए डी तो डा, आधा आयर, इसका मतलब डायर, और डायर किसको बोलते हैं, भयानक। इसी तरह देखिए एड और ये मायर, एड मायर माने प्रशंसा करना। इसी तरह देखिए डी जायर एस आई आर ई। अब देखिए एस साखी तो नहीं, ध्वनि नहीं दे रहा है, एस से क्या बन रहा है जा। ये अंग्रेज है ही ऐसे भाई, कभी एस से सा बना देते हैं, कभी जा बना देते हैं। अब इसके लिए तो वोकैबुलरी बढ़ानी पड़ेगी। तो डिजायर किसको बोलते हैं, इच्छा को बोलते हैं। चलिए 44वां पॉइंट देखते हैं कि जब आई के बाद एनडी या एलडी आ जाए तब भी आई को आई से बोलते हैं, मतलब आई से उच्चारित करते हैं। मैंने बताया ना भाई, आई के बाद या तो व्यंजन आ जाए और व्यंजन के बाद ई हो, जैसे लाइक बाइट काइट राइट, ठीक है ना, बाइट, ये सब क्या थे, आई प्लस व्यंजन प्लस ई के उदाहरण थे। एक और है तरीका कि आई के बाद एलडी आ जाए या एनडी आ जाए तब भी आई की ध्वनि आई होगी, जैसे माइंड, क्योंकि आई के बाद एनडी आ रहा है। माइंड, माइंड माने आप जानते ही हैं दिमाग होता है, ठीक है। इसी तरह भाई देखिए चाइल्ड, चाइल्ड माने क्या होता है, बच्चा होता है। इसी तरह देखिए एफ के बाद आइंड, फाइंड, फाइंड मतलब आई एंड। देखिए सीधी सी याद रखना है कि आई एन डी को आइंड पढ़ेंगे, आइंड, ठीक है। और ऐसे आई एल डी को पढ़ेंगे आइल्ड, ठीक है। पहले वाले अक्षर में आ की मात्रा लगाओ, फिर इल्ड लगा दीजिए, ठीक है। इसी तरह देखिए चाइल्ड और आई एन डी में आइंड, जैसे माइंड, फाइंड, फाइंड माने मिलना होता है, पाना है, मिलना, ठीक है भाई। इसी तरह वाइल्ड, वाइल्ड माने जंगली। और देखिए ये क्या है, वाइंड, माइंड, माइंड माने लपेटना, बाइंड करना, लपेटना। अब चलते हैं अगले उस पर, देखिए 45वां है कि अगर ई आई और आई ई एक साथ आए तब इनकी ध्वनि बड़ी ई की तरह होती है। और मैं पहले भी एक चीज बता चुका हूं कि किसी शब्द के बीच में या तो डबल ई आ जाए, ई ए आ जाए, या आई ई या ई आई आए, तो इन चारों की ध्वनि अर्थात इन चारों से उस शब्द में जिसके आगे ये आ रहे हैं बड़ी ई की मात्रा लगेगी। और ये मैं इससे पहले वाले वीडियो में आपको विस्तार से समझा चुका हूं, तो आप जाकर उस वीडियो को देख लें भाई। तो देखिए ई आई कब लगाते हैं और आई ई कब लगाते, ध्यान रखना, अगर किसी शब्द जिसके आगे मैं ई आई लगाना चाह रहा हूं उससे पहले सी आना चाहिए, और शेष शब्दों में सामान्यतः हम आई ई लगाते हैं, जैसे ठीक है बी के साथ, डी के साथ। आगे देखते हैं भाई, देखिए अब रिसीव, देखिए री तो ये हो गया, अब सा है, सी है, तो ई आई लगाएंगे। तो देखिए ऋषि और बी ई, वाह लास्ट की ई को बोलते ही नहीं है, ये तो कट जाएगी, तो रिसीव प्राप्त करने को बोलते हैं। इसी तरह कंसीव, कन सी और वो कंसीव गर्भ धारण करने को कहते हैं। इसी तरह कंसीट, कंसीट किसको बोलते हैं, अकड़ को बोलते हैं। चलिए आप चिंता ना करें कि साहब अभी तो आपने सी के बाद ई आई का उच्चारण बताया है, आई ई का उच्चारण आपने नहीं बताया है, चिंता मत कीजिए। मैंने लिख दिया है 46वें में कि सामान्यतः ई आई का जो मैं अभी आपको बता रहा था उच्चारण सी के बाद होता है। ई आई कब लगाते हैं, सी के बाद, और आई ई का प्रयोग अन्य अक्षरों के साथ किया जाता है, जैसे देखिए टाई, टी है तो टाई, तो इसके आगे, अब आप कहेंगे सर इसमें तो बड़ी ई की मात्रा, टी नहीं बोला, अरे जब लास्ट में ही आई ई हमें दिख, ध्यान रखें अगर बीच में, बीच में आई ई आए तो इससे लगेगी बड़ी ई की मात्रा, और लास्ट में आए आई ई
तब आई ई की ध्वनि बोलेगी टाई, जैसे टाई, टाई माने बांधना, गले में टाई लगाते हैं उसको भी बोलते हैं, ठीक है, टाई माने बांधना। जैसे मूवी, आई ई बड़ी की मात्रा लगी, जैसे मोबाइल नहीं है मूवी, आई ई से बड़ी की मात्रा, मूवी आप जानते हैं फिल्म को बोलते हैं, फिल्म भी एक अंग्रेजी शब्द है भाई। इसी तरह लाई, लाई माने झूठ होता है। इसी तरह देखिए टी एच आई थीफ, आई ई बड़ी की मात्रा लग रही है देखिए, ठीक है, इनमें टाई लाई डाई ये मैंने एक साथ लिख दिए, टाई लाई डाई, ठीक है, और डाई माने क्या होता है मरना। इसी तरह देखिए टी एच आई ई तो थीफ, ये चोर बोलेंगे उसको भाई। इसी तरह देखिए फ्रेंड, अब यहां फ्रेंड नहीं है, अब अंग्रेज गड़बड़ कर गए ना, आई ई से बड़ी की मात्रा नहीं लगी, ए की मात्रा लगी फ्रेंड, ठीक है, आर गड़बड़ करता है भाई, आर चाहे पीछे हो आगे हो ये गड़बड़ कर जाता है, तो फ्रेंड आप जानते हैं मित्र को बोलते हैं। इसी तरह देखिए सील्ड, आई ई सील्ड माने जानते हैं आप प्रशस्ति पत्र, सील्ड किसको बोलते हैं प्रशस्त्री, प्रशस्ति 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 ता है भाई प्रशस्ति पत्र, ठीक है। और कॉपियर, कॉपी कॉपी करने वाला, नकल करने वाला, ई आर जिसके आगे लग जाए इसका मतलब करने वाला, फार्म फार्मर खेती को करने वाला। इसी तरह गार्डन बगीचे को कहते हैं, गार्डनर बगीचे को करने वाला है, बगीचे की देखभाल करने वाला मालिक, ठीक है। चार्म, चार्म माने आकर्षण, जो आकर्षित चीजों को करता है, सांप और उनका खेल दिखाता है उसको चार्मर बोल देते हैं। इसी तरह देखिए ब्रीफ, ब्रीफ माने संक्षिप्त, ब्रीफ किसको बोलते हैं संक्षिप्त को, या किसी ऑडियंस को संबोधित करने को भी ब्रीफ करना कहते हैं। अब इसके अपवाद क्या है भाई, क्योंकि मैंने क्या बताया कि अगर बड़ी की मात्रा लगानी है और सी है तो सी के आगे बड़ी की मात्रा लगाने के लिए ई आई लगाएंगे, सी के बाद ई आई का प्रयोग करते हैं, अन्य शब्दों के साथ आई ई का प्रयोग करते हैं, ठीक है, कभी कभी डबल ई का और ई ए का प्रयोग भी करते हैं, जो मैं पहले वीडियो में आपको बता चुका हूं। तो देखिए भाई दो तीन बार, एक बार नहीं दो तीन बार ये सारे वीडियो आपको क्रमिक रूप से देखने पड़ेंगे, तभी आपके समझ में आएगा, शॉर्टकट नहीं है बंधु इसका कुछ भी। तो देखिए अब सीज, अब चाहे एस है और एस के आगे क्या आना चाहिए था, आई ई आना चाहिए था, एस आई ई जेड ई लिखना चाहिए था, पर नहीं आता है, सीज में ई आई आता है, सीज, सीज करना पकड़ना जकड़ना, ठीक है, सीज किसको बोलते हैं पकड़ना या जकड़ना। चलिए इसको मैं बदल देता हूं भाई, पकड़ना सीज, ग्रैब करना पकड़ना जकड़ना सीज करना। देखियो इसको आइदर बोलते हैं, अब तक आप है ना, आइदर नहीं बोलेंगे बंधु, ई आई को क्या बोलेंगे ईदर, ईदर ईदर माने या तो, आइदर और का प्रयोग करते हैं या तो या है ना, आइदर और, आइदर नहीं है ईदर और, ठीक है। इसी तरह नाइदर बोलते हैं, नाइदर नहीं है नीदर है, एन ई आई टी एच ई आर, ठीक है, एन ई आई टी एच ई आर, नाइदर नहीं है ये क्या है, नीदर 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 नीदर, आर बोलते ही नहीं अंग्रेज नीदर। इसी तरह ये आर बहुत फेंट उच्चारण है ईदर, ठीक है, और इसका मतलब ना तो ना, ठीक है। इसको कंजेक्शन में आपने पढ़ा होगा, जैसे ही इज आइदर इंटेलिजेंट और डल, या ही इज नाइदर इंटेलिजेंट नॉर ए गुड प्लेयर, तो ऐसे उदाहरण आप दे सकते हैं, ना तो होशियार है ना छप वो है, ही इज नाइदर ए राइटर नॉर ए टीचर, कुछ भी कह सकते हैं भाई। ऐसे देखो वियर्ड, अब देखिए वियर्ड, वियर्ड माने बद्दा या
यहूदा पना होता है ना, वो बियर दाढ़ी वाला बीई ए आर डी होता है भाई। इसी तरह देखिए लेजर आनंद है ना, आराम की चीज होती है ना लेजर, आरामदायक आराम होता है, आराम करने लेजर है ना। इसी तरह देखिए एस के बाद सी आ रहा है तो सी नहीं बोलती है, अमूमन एस के बाद आई हुई सी। तो देखिए साइंस, साइंस माने आप जानते हैं विज्ञान। इसी तरह देखिए सफिशिएंट, सी के बाद भी आई ई का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है ई आई होना चाहिए ना, तो नहीं हो रहा है, तो सफिशिएंट माने पर्याप्त। एनफ, एनफ का वो है समानार्थी भाई। इसी तरह भाई देखिए ये बहुत अपवाद है भाई, जो नियम बताया था ये मैं इतने, अब आप कहेंगे सर इतना लंबा करने की जरूरत कहां है, तो मैं अभी बता चुका हूं भाई, मेरा उद्देश्य आपको ना केवल पढ़ना बताना है कैसे पढ़ा जाता है अंग्रेजी शब्दों को, आपकी वोकैबुलरी को भी सुधारना है। जब तक वोकैबुलरी नहीं सुधरेगी आप अंग्रेजी का ज्ञान नहीं कर पाओगे, ना उस वोकैबुलरी नहीं है तो कहां के आप ग्रामर पढ़ पाओगे, आप कहीं भी सफल नहीं हो पाएंगे। तो भाई वोकैबुलरी फर्स्ट मेरी वो है, तो इसी कारण मैंने देखिए इस मैं आपको ढेर सारे ना देखिए कितने मैंने बताए कि आई ई का और ई आई का प्रयोग यहीं से शुरू किया था भाई देखिए, है ना। अब एक दो बताकर भी इतनी कर सकता था, नहीं कर पाऊंगा मैं, क्योंकि मेरी आदत नहीं है कि शॉर्ट में मैं समझाऊं, शॉर्ट में आपको कुछ बताऊं, ठीक है। आपको अगर पूरी तरह से समझना है तो विस्तार से पढ़ना ही होगा, कि इस दुनिया में किसी चीज का शॉर्टकट नहीं है भाई, ये रील की बात नहीं है, रीलों से अंग्रेजी नहीं पढ़ी जाती। तो देखिए डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी मतलब कमी भाई, आप में पोषक तत्वों की कमी है, डेफिशिएंसी है, ठीक है। ऐसे देखिए ओमनीसिएंट, ओमनी ओमनी देखिए तोड़िए, ओमनीसिएंट, ओमनीसिएंट ऐसे देखिए पढ़िए कंसाइंस, कंसाइंस, ठीक है। जे के उच्चारण की तरफ बढ़ते हैं भाई, यदि किसी शब्द में जे आए तो सामान्य देख जे का जो उच्चारण है वो जा के रूप में होता है, जैसे भाई यहां आ गया है जस्ट, चलिए मैं कलर चेंज कर लेता हूं, जे का उच्चारण क्या है जैसे जस्ट, ठीक है। और यू अगर बीच में आए आगे बढ़ाएंगे, जब यू का नंबर आएगा तो आ की ध्वनि देता है, जस्ट, जस्ट माने अभी अभी। इसी तरह जस्टिस, अंत में आई ई उच्चारित नहीं होती है, जस्टिस किसको बोलते हैं, न्याय को, ठीक है। इसी तरह जयकार, जयकार, ठीक है, श्यार जो है गीदड़ होता है उसको बोलते हैं, श्यार या गीदड़। इसी तरह भाई देखिए जर्नी, जर्नी माने यात्रा, जे यू आर अर्नी, जर्नी। इसी तरह जेलस, ठीक है, जीरियस नहीं, जेलस, जेलस माने ईर्षा। तो जे कोई बताने वाली बात भी नहीं थी, सामान्य उच्चारण जाकर करता है। अब के उच्चारण के नियम की हम चर्चा कर लेते हैं। 48वां नियम है भाई कि यदि किसी शब्द में सी के एक साथ हो, सी के क्या हो, एक साथ हो, तो सी के लास्ट में का उच्चारण करता है। सी के से क्या बनता है, का, दोनों सम्मिलित रूप से सी के दोनों मिलके क्या बनाते हैं, का। इसी तरह देखिए नेक, एनी सी के, नेक माने आप जानते हैं गर्दन। इसी तरह देखिए बैक, देखिए ध्यान, कमाल की बात है ना, जब ए दो या दो से अधिक व्यंजनों के बीच में आता है, यहां देखिए बी के सी और के बीच में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो ए किसके मात्रा लगाएगा, आई की मात्रा, अर्थात बा के आई की मात्रा लगी, बैक, बैक माने पीछे, ठीक है। ऐसी ओ, ओ, ओ की ध्वनि देता है, डॉक, कमी करना। इसी तरह लॉक, ताला। इसी तरह मॉक, मॉक जैसे मॉक पोल कर देना, दिखावटी मतदान, तो ये मॉक क्या मतलब है, नकली या दिखावटी होता है मॉक का मतलब, ठीक है भाई। अब ऐसे शॉक, एस एच ओ सी के, ब्लॉक, कई उदाहरण लिख सकते हैं, ब्लॉक, ब्लॉक माने रोकना, ब्लॉक मतलब सी के, सीधी सी बात है, यहां बताने का मेरा उद्देश्य क्या है कि सी के का उच्चारण का होता है, ब्लॉक माने रोकना, ब्लॉक संरचना को भी बोलते हैं,
क्लॉक घड़ी, क्लॉक क्लॉक किसको बोलते हैं, घड़ी को, ठीक है। इसी तरह अब देखिए 49 में देखिए, यदि किसी शब्द में के बाद एन आ जाए, यदि किसी शब्द में के बाद एन आ जाए तो के साइलेंट रहता है, ध्यान रखना के बाद एन, तो एन के डर के मारे के का उच्चारण नहीं होता है। जैसे देखिए किनी नहीं है, के बाद एन है तो इस एन के कारण के उच्चारित नहीं होगा, बोलेगा ही नहीं, तो एन डबल ई नी, नी घुटने को बोलते हैं, ठीक है, नी माने घुटना। इसी तरह देखिए क्नो नहीं है, या कहीं इसको ऐसे पढ़ दें क्नो, क्नो नहीं है भाई, ओ डब्ल्यू लास्ट में आए तो ओ की ध्वनि निकालता है, के नहीं बोलेगा, नो इसको नाव मत। अब आप यूं कह सकते हैं सर के एन ओ डब्ल्यू में जब के बोली नहीं रहा है तो एन ओ डब्ल्यू को तो नाव पढ़ते हैं, नहीं भाई के बाद एन है, इसकी उपस्थिति है, तब तो आप ये भी कह सकते थे कि भाई अंग्रेजों ने के लगाया ही क्यों, तो नाव ही पढ़ लेते, नाव नहीं बोलेगा, के कारण अलग शब्द है वो, नाव और इसमें नो में अंतर करने के लिए अंग्रेजों ने के लगाया था, तो नो, नो माने जानना होता है। इसी तरह के एन डबल ई डी, तो देखिए के उच्चारित नहीं होगा, एन डबल ई डी नीड, आटा गूथना, ध्यान रखना वो नीड है, ये भी नीड है, ये नीड किसको बोलते हैं, आवश्यकता, नीड माने क्या है, आवश्यकता, इसका उच्चारण भी नीड होगा, पर के कारण इसको क्या बोलेंगे, आटा गूथना, के एन डबल ई डी नीड, आटा गूथना, और एन डबल ई डी नीड माने आवश्यकता होना। इसी तरह देखिए नॉक, ठीक है, नॉक माने खटखटाना, दरवाजा, देयर वाज ए नॉक ऑन द डोर, दरवाजे पर कोई खटखटा रहा था भाई, ठीक है। इसी तरह आप देखिए के एन आई टी निट, इसको बोलेंगे नीट नहीं, निट है भाई ये, निट, निट किसको बोलते हैं, बुनना, ठीक है, स्वेटर जर्सी आप बनते ना, सी इज निटिंग ए स्वेटर फॉर हर ब्रदर, वो अपने भाई के लिए एक क्या बन रही है, बन रही है स्वेटर बन रही है, ठीक है। इसी तरह देखिए और शब्द भी मैंने यहां लिख दिए हैं भाई, अब मैं कलर चेंज कर ही लेता हूं भाई, क्योंकि लाल के साथ ये देखिए नाइफ नहीं है, ये नाइफ है, नाइफ, नाइफ आप जानते हैं चाकू को बोलते हैं। इसी तरह देखिए के एन ओ टी नॉट, के नहीं बोलेगा वो, नॉट एन ओ टी नॉट नहीं होता है, पर के है इसलिए नॉट, तो नॉट बोलते हैं गांठ को, नॉट किसको बोलते हैं, गांठ को बोलते हैं। इसी तरह देखिए नो, ये नो, ठीक है, नो, नो माने दरवाजों पर जो घुंडी लगी होती है ना, जिससे खींच कर, या दराज में जो घुंडी होती है उसको खींच कर हम आगे पीछे करते हैं, तो घुंडी कह सकते हैं, घा घुंडी, ठीक है। इसी तरह नाइट, नाइट नहीं है, नाइट ये एक उपाधि है भाई जो अंग्रेज दिया करते थे भाई। इसी तरह नील, घुटनों पर जो झुक जाते हैं ना, घुटनों केवल झुकना, घुटनों के बल झुकना। इसी तरह देखिए नो लेज, डी जी ई अगर एक साथ आए, ध्यान रखना डी जी ई एक साथ आए तो देखिए डी उच्चारित नहीं होता, और जी के बाद ई आई या वाई आ जाए तो ऐसी कंडीशन में चाहे जी ई हो, चाहे जी आई हो या जी वाई हो, इन सब से क्या बनता है, जा बनता है। तो देखिए नॉलेज, नॉलेज माने ज्ञान, ठीक है, और ये मैंने कहां बता दिया है भाई, वीडियो नंबर 2 में। अब ये वीडियो लगभग 50 मिनट का हो चुका है, ज्यादा से आप परेशान ना हो, इसलिए इस वीडियो को मैं देता हूं यही विराम। आशा है मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया होगा, और इससे जो पहले मेरे 2 वीडियो हैं वो भी आपने देख लिए होंगे, ये तीसरा वीडियो था, और इसके बाद भी वीडियो आने वाले, क्योंकि अभी हम जेड तक नहीं पहुंचे, और जेड तक पहुंच जाएंगे उसके पश्चात हम मिक्सचर एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें कि शब्दों का जो कॉम्बिनेशन होता है, कब किसके साथ कौन साइलेंट रहता है, या कब किसके साथ कैसी ध्वनि देता है, वो भी मैं बनाऊंगा, और उसके तुरंत बाद अगर मैं सही रहा तो आपको
ग्रामर भी शुरू करूंगा अपने ढंग से, अलग ढंग से, पर विस्तार से। शॉर्टकट का कोई काम नहीं होगा मेरे पास भाई। तो इसी तरह आप मेरा वीडियो देखते रहिए, और हाँ, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है यार, सब्सक्राइब कर लीजिए, मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं कोई व्यावसायिक उद्देश्य के लिए, पैसा कमाने के लिए वीडियो नहीं बनाता। कितने से 400-500 यार व्यूज आते हैं, इतना मैं मेहनत करके वीडियो बनाता हूं, इतना खराब भी नहीं पढ़ाता मैं। वैसे आप बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से, हाँ आप यार कंजूसी इतनी करते हो, क्या दो शब्द कमेंट के नहीं लिख सकते? लिख दीजिए यार, जैसा भी आपको लगा, ईमानदारी के साथ, अच्छा है तो अच्छा और बुरा है तो बुरा लिख दीजिए। और अगर हाँ कोई और सुधार आप करवाना चाह रहे हैं तो मैं वो भी सुधार करने के लिए तैयार हूं। आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव आप भेज दीजिए, मैं उनका स्वागत करूंगा और उनका, हाँ भाई, उनको मैं अपने अगले वीडियो में इंप्लीमेंट करने का प्रयास भी करूंगा। अगले वीडियो तक आप खुश रहिए, आवाज रहिए और इसी तरह अध्ययन करते रहिए। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक नमस्कार, धन्यवाद।